जय भीम, मेरा नाम सपना है और मैं नालंदा अकेडमी की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने TSS मुंबई से 2020 में मास्टर डिग्री हासिल की है। पिछले 7 वर्षों में नालंदा अकेडमी ने भारत के 15 राज्यों के ग्रामीण भागों से आने वाले लगभग 600 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ट्रेन किया है। नालंदा में पढ़े 500 से ज़्यादा छात्र और छात्राएं आज देश विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं। ये ट्रेनिंग हम छात्रों को निःशुल्क प्रदान करते हैं। यह कम्युनिटी के आर्थिक सहयोग द्वारा ही संभव हो पाया। 2020 की शुरुआत में कोरोना पैंडेमिक की वजह से नालंदा को अपनी क्लासेस रोकना पड़ा, लेकिन छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2020 में हमने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की। पहले हम 250 छात्रों को पढ़ाते थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के बाद 2500 से भी ज़्यादा छात्र हमसे जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस की इसी सफलता को ध्यान में रखते हुए हम नालंदा अकादमी के पूर्व छात्रों ने डिजिटल नालंदा की नींव रखी है। हमारा उद्देश्य ग्रामीण भारत के छात्रों के लिए एक ऐसा अनोखा एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर विकसित करना है जो उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद कर सके। हम सभी नालंदा के वजह से ही देश विदेश के प्रीमियर यूनिवर्सिटीज से शिक्षा प्राप्त कर सके। डिजिटल नालंदा नालंदा एलुमनाई के इसी नॉलेज और एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा छात्र तक पहुँचाने का एक छोटा प्रयास है। डिजिटल नालंदा के माध्यम से हम हमारे छात्रों को देश विदेश की उच्च शिक्षण संस्थानों से परिचय कराएंगे। हमारा क्यूरिकुलम इन संस्थानों की एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले विषयों पर ही डिज़ाइन किया गया है। हमारा विशेष ध्यान इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जैसे विषयों पर छात्रों की समझ को और बढ़ाने में है। इन सभी विषयों पर डिजिटल नालंदा हमारे छात्रों के लिए वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, रीडिंग मटेरियल और टेस्ट सीरीज जैसे संसाधनों को उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा नालंदा परिवार से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों के 300 से ज़्यादा टॉप प्रोफेशनल और स्कॉलर्स हमारे डिजिटल नालंदा पर छात्रों को मेंटरशिप प्रदान करें। हमारा यह प्रयास भारत में शिक्षा को और लोकतांत्रिक बनाने का है, ताकि हमारे सभी छात्रों को उच्च शिक्षित होने के सभी अवसर प्राप्त हों। तो आइए हमारे साथ इस प्रयास में जुड़े।